दोस्तों, तो रेडिसन में हमारा आज है मॉर्निंग और गोवा में हमारा सेकंड डे है ना, आज थर्ड डे। थर्ड डे मिस्टर सिंह चाय बना रहे हैं, आकाश यहाँ पे सो के उठ गए। आकाश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये आकाश का ये जो नाइट ड्रेस टाइप का हमने ट्रैक सूट नाइट ड्रेस जो भी आप बोल लीजिए लिया है ना, तीनों बहुत आराम रहता है। मार्क्स एंड स्पेंसर का है ये तीनों ही जो ड्रेस है, और ये ट्रैवलिंग में आराम है, सोने में, मतलब बच्चे लोगों के लिए। और इसका कपड़ा मैं 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, एक भी ख़राब नहीं हुआ, रोए नहीं आया, वैसे ही शाइन करता रहता है। तो ये मार्क्स एंड स्पेंसर का बच्चों का जो सूट है ना, ट्रैक सूट और ये नाइट ड्रेस टाइप का, ये ज़रूर आप लोग ट्राई करिए। और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, बच्चे एकदम कंफर्टेबल रहते हैं एकदम, है ना आकाश? बाबू तो बोलो मार्क्स एंड स्पेंसर में बाबू ऐसे का तीन तीन के सेट मिलते हैं, मम्मी बाबू पापू का भी ले रही हूँ, तीन तीन के ऐसे सेट भी मिलते हैं। तो एक साथ तीन मैंने लिया था और बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा निकला ये वाले। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये डे 3 है और हम लोग बैठ गए हैं अपनी अपनी चाय के साथ, और आकाश का है ये गरम पानी। आकाश पियो गरम अभी पानी। नीचे जाके आकाश मिल्क पिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आकाश हाय कर दो एक बार। हाय। अभी नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, चलो चलते हैं। और ये सुबह देखिए अंदर भी जहाँ हमने रात को डिनर किया था वहाँ पे भी नाश्ता कर रहे हैं, और ऐसा आउटडोर में भी बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं नाश्ते के लिए, एंड यहाँ पे देखिए फ्रेश पाइनएप्पल जूस। आकाश इज ड्रिंकिंग जूस। पियो जूस। आकर देखो पहले कौन फिनिश करता है, देखो। वेरी नाइस जूस फिनिश। हाई फाई हाई फाई। अभी ये खाओ। अभी ये खाओ। हो गया नाश्ता? अच्छा था। और आकाश देखिए ये मिल्क ना पीना पड़े उस डर से वो सामने वाली चेयर पे जाके बैठ गया, छुप के बैठ गया है वहाँ पे। अभी ये मिल्क हमको लगता है रूम में ही ले जाना पड़ेगा, बाकी सब खाया लेकिन मिल्क नहीं पीना है उसको, वहाँ पे भाग रहा है। हाँ हाँ आकाश आ जाओ। तो यहाँ से हम लोग ट्रिप शुरू करने वाले हैं साउथ गोवा का। तो साउथ गोवा आप लोगों को घुमाएंगे, लेकिन उसके पहले पंजिम में कल रात को इतनी बारिश हो रही थी तो हम लोग पंजिम चर्च नहीं घूम पाए। मेन जो सिम्बा मूवी की जहाँ शूटिंग हुई है, और मेन जो पंजिम का चर्च है, और यहाँ पे देखिए पंजिम में ये लेक है, यहाँ पे कैसीनो ब्राइड और ये सब अलग अलग तरह के हैं, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं ये सब। तो वहाँ का छोटा सा व्यू दिखा, लास्ट टाइम हम लोग कैसीनो ब्राइड में गए भी थे तो बहुत अच्छा लगा था, वो एकदम डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। इस बार नहीं हो पाया, लेकिन चलते हैं पंजिम चर्च। इसको पंजिम चर्च लेकिन नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? मैरी इमेकुलेट। क्या है? चर्च स्क्वायर बोलते हैं यहाँ। चर्च स्क्वायर। आ गए हैं पंजिम के वो फेमस चर्च जहाँ पे सिम्बा पिक्चर की शूटिंग हुई है, काफ़ी सारी शूटिंग इधर हुई है, आपको दिखाती हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं वो, और ये नज़ारे। तो मैं आपके लिए चलूँगा। हम लोग आ गए हैं देखिए वो फेमस चर्च में, वो बहुत टाइम से आना था हम लोगों को, अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ ऐसे जलते रहते हैं क्या? आकर्ष आज रखो खड़े रहो, स्माइल। वाओ, आप लोगों की तो ट्यूनिंग लग रही है। लोग साउथ गोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। और कौन सा जॉब है यहाँ पे लेकिन मिल नहीं पाई इस बार? कैसीनो ब्राइड। वाओ, कल रात में आ जाना चाहिए कैसे भी करके। बारिश थी बहुत ज्यादा कल, हम लोग निकले थे बहुत बारिश थी तो वापस चले गए। बताओ फ्रेंड, देखो रिवर है, यही वाला तो वो ब्रिज है जहाँ बहुत फेमस वाला जो ब्रिज है ना गोवा का, ये मंडोवी ब्रिज है ना? हाँ, मंडोवी ब्रिज, ये फेमस है बहुत। जैसे सीलिंग मंडोवी ब्रिज पे आते ही, हाँ, इस पे से जाने वाले हम लोग जा सकते हैं। नहीं नहीं, आपको जाना है वैसे तो मैं घुमा के। नहीं, हम लोग कल आए थे एक्चुअली, कल इसी से आए अपना होटल। साउथ गोवा में क्या हम लोग? साउथ गोवा में पंजी साउथ में है क्या? एक्चुअली पंजी सेंटर है। सेंटर है, करेक्ट करेक्ट। वही मैं नॉर्थ गोवा में समझता था पंजीम को, ऐसा नहीं है? नहीं, लेकिन पंजीम से रुको तो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं क्या? हम लोग यहाँ पे साउथ गोवा में एक कोलवा के पास रूम देख रहे हैं। एक्चुअली हमारा मन है कि हम कोलवा के यहाँ भी एक दिन स्टे करें, तो इसके लिए ही जद्दोजहद चालू है। और रेडिसन का हमको इतना सर्विस नहीं अच्छा लगा, और एकदम क्लोज हम लोगों को थोड़ा बीच के पास चाहिए था रूम, तो हम लोग ने वहाँ से चेकआउट कर दिया है। और अभी हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे थोड़ा एक जगह तो फाइनल हुआ है, लेकिन और भी देख रहे हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better. Never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own. एक और आकाश, एक और निकालो ना। देखा कि हमारी सारी फोटो जो कपल वाली है, एनिवर्सरी वाली और जो भी है, कल से आकाश ले रहे हैं। तो इस ट्रिप में हमको ये फ़ायदा हुआ है कि ऑफिशियल फोटोग्राफर हमको मिल गया है एक, हमारा देखिए वहाँ पे खड़ा है। सारी फोटो आकाश ने ली। बोलना चाहते हो कुछ इस बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑफिशियल फोटोग्राफर साथ में रहते हुए। चलो एक फोटो हो जाए, एक और। चलो तुम यहाँ खड़े हो। वाह, अच्छा लग रहा है ना एकदम आके यहाँ पे। अब ये देखो, ऑफिशियल फोटोग्राफर पापू का पोज का फोटो ले रहा है ये, और अच्छी फोटो क्लिक करता है एकदम आकाश। देखो ये फोटो देखिए कितनी बढ़िया ली है आकाश ने पापू की। अरे वाह आकाश, वाह, अभी फोटोग्राफर की जरूरत ही नहीं है हमको। सो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जिस चर्च में, साउथ गोवा के बहुत फेमस चर्च में है इस वक्त हम लोग, तो यहाँ का एक अलग वीडियो बनाती हूँ मैं। और वहाँ अलग वीडियो में साउथ गोवा में कहाँ कहाँ स्पॉट्स हम लोग कवर किए वो आपको दिखाते हैं। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोज़, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।